क्या बात है, कितने प्यारे हैं आप सब। आपका ये शोर, ये जज्बा, ये जुनून, आप लोगों की मोहब्बत, और जो घर पे मुझे देख रहे हैं आप, तो आपकी तो क्या ही बात है, ये तो मुझे फिर नजर आ जाते हैं। तालियां बजाते हुए आप नजर नहीं आते, लेकिन आपकी ये मोहब्बत मुझे फील जरूर होती है। इसीलिए कहना चाहूंगा एक दफा फिर, वेलकम टू हद कर दी मोहब्बत। आज की जो हमारे दो गेस्ट हैं, दोनों ही बहुत टैलेंटेड एक्टर्स और कॉमेडियंस हैं। इनकी जोड़ी जहां जाती है, अपने अल्फाज से, अपने अंदाज से, अपने जोक से ये महफिल लूट लेते हैं, झंडे गाड़ देते हैं। हमारे मुल्क का तारा, तारा क्या, हमारे मुल्क के तारे हैं। और इनकी जोड़ी तो बिल्कुल वही है, तारा और सितारा। पाजी दुश्मन आनू मारांगे ते आहो, तो आपकी भरपूर तालियों में, आपकी मोहब्बत के साथ, जोश के साथ, लगन के साथ, हम सबके फेवरेट, हमारे लेजेंड्स, क्या बात है इनकी, प्लीज वेलकम बरकत एंड उज्मी। आ जाए, मैं इतना खुश हूं, मैं आपको बता नहीं सकता कि आप लोग मेरे शो पर आ गए। लोग कहते हैं एंटरटेनमेंट रिलेटेड शो है, लेकिन मैं भी कह रहा था वो एंटरटेनमेंट की एपिटमी, वो जो हमने एक एंटरटेनमेंट की लिमिट्स क्रॉस करनी है, वो कब होंगी। और बहुत सोचने के बाद मेरी टीम के साथ डिस्कशन हुई और हमने सोचा कि इनको ना बुलाया जाए। बिल्कुल। और आपने फिर भी बुला लिया। फिर भी हमने बुला लिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस, और वी रियली थैंकफुल टू यू। आपके चैनल का पहले भी हम आते रहे, लेकिन आपके शो में आना ये हमारे लिए ऑनर की बात है, क्योंकि एक ऐसा टैलेंट, जो रो मटेरियल टैलेंट, जिसने वाकई में मेहनत की है। बिल्कुल ऐसे ही। और ऐसे मेहनती कहते हैं ना, वो मेहनत से वही देखा ना, वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, उसके पीछे कितने जज्बात बदले इनके, कितने वक्त बदले। दुनिया का वाहिद कॉमेडियन है जो कॉमेडी करते करते रो भी पड़ता है। वो कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि तुम्हारी कामयाबी शोर मचा दे। तो इनकी कामयाबी ने ऐसा शोर मचाया जिसकी शोर की वजह से हम आज यहाँ शोर मचाने इनके साथ शामिल हो गए। वाह वाह वाह। अपनों और क्या 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 हुआ, एक अपनों से मिलके ना अजीब सी एक एक, एक, एक स्मेल सी आती है। मैं वही कहने लगा था, वरना मैं गले मिल लेता। मौसम भी गर्मी का है, मौसम भी गर्मी का, चौसे आम का, चौसे आम का। हम जिस हालात से गुजर रहे हैं, आप यकीन करें, आप देखिए मेरे मुल्क में जो होता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं होता। एक अमेरिकन से पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को वीकेंड पर आउटिंग के लिए कहाँ ले जाते हैं, अमेरिकन ने कहा मोस्टली पार्क एंड बीच साइड। ब्रिटिश से पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, वो साहब कहने लगे मोस्टली इन कॉन्सर्ट एंड थिएटर। पाकिस्तानी से पूछा कि आप लोग अपने बच्चों को कहाँ ले जाते हैं, वो साहब क्या कह रहे हैं, सीएनजी भरवाने, जनरेटर यूपीएस ठीक करवाने। हालात ऐसे हो गए, हम लोग इसी में उलझे। हमारी पाकिस्तानी कौम दिन में पानी की तलाश में निकल जाती है, रात में बिजली की तलाश में निकल जाती है। कल मेरे और हालात ऐसे हो गए कि मजबूरन लोग जो है अपनी बीवियों से प्यार कर रहे हैं। मैं सही बता रहा हूँ मैं। और एक शौहर का कहना है कि घर में रिस्क औरत के नसीब से आता है, महंगाई इतनी हो गई है कि एक औरत के नसीब से गुजारा नहीं होता। ये शौहरों का पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। लेकिन ठीक कब होंगे ये हालात, कभी ठीक नहीं होंगे। आप एंजॉय करें, ऐसे लोगों को हंसाते रहें और कमाते रहें। और कमाते रहें, और कमाते रहें। बात ये, जो भी जैसे भी हालात हो, आपने एंटरटेनमेंट सप्लाई करना है, और आपके एंटरटेन की वजह से जो लोगों के चेहरे में खुशियां आती है, बिल्कुल, ये अल्लाह करे सदा कायम रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, तालियां। थैंक यू। देखें, मैं इनको भी बताता चलूं, आप लोगों को पता है कि मेजॉरिटी व्यूअरशिप हमारे शो की यूथ है, तो जहां हम कोशिश करते हैं हम उनको हंसाएं, वहीं हमारी कोशिश होती है कि हम हर बात से, अपने गेस्ट्स की हर बात से कुछ पिक करें। तो आज इनकी बात से क्या पिक किया, सप्लायर बन जाओ। आपने कहा खुशी सप्लाई करते रहे। हाँ, खुशियां, खुशियां, तो खुशियों के सप्लायर आप जो समझ रहे हैं वो भी ठीक है। नहीं देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सॉरी टू कट यू सर, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, प्लीज कट मी, नहीं प्लीज, माय प्लेजर, लव यू सर। बात ये सर, टैलेंट वैलेंट सिर्फ अल्लाह की अता है, सिर्फ अल्लाह की अता है। मैं कहता हूँ आप सिर्फ माँ बाप के गुलाम बन जाओ, खुदा की कसम ये दुनिया आपको बादशाह बना देगी। वाह वाह, ये मेरा नजरिया है, जो मेरा नजरिया है कि हम तो इसी नजरिए पे चलते हैं। बस बात इतनी आपने प्यारी की कि माँ बाप के गुलाम बन जाओ, माँ बाप की मोहब्बत में डूब जाओ। जो हमारे नौजवान जिस मोहब्बतों में आजकल डूब गए हैं, ओए होए होए होए, हाय 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 हाय, पूरी पूरी रात के जो पैकेज है ना, ओए होए। और जो मतलब एक फोन पे कह रहे होते हैं कि जब तक तुम खाना नहीं खाओगी मैं नहीं खाना खाऊंगा, दूसरी तरफ से फूड पांडा ऑर्डर कर रहे होते हैं। ओके भी बड़े दिन देने इनकी मोहब्बत समझ नहीं आता, आखिरी मैसेज में क्या करे, गुड नाइट या गुड मॉर्निंग क्या करे। हमारे मुल्क के आशिकों का प्रॉब्लम क्या है,
क्या हमारे आशिक, हमारे मुल्क के आशिकों के प्रॉब्लम, हमारे इतने आशिकियों में लगे हुए हैं, इतनी मोहब्बतें कर रहे हैं, मतलब उनका बस नहीं चले ना। देखिए मैं कहता हूँ लड़के 5 मिनट के रिलेशनशिप के बाद ही कह रहे होते हैं जानू हम अपनी कब्रें साथ साथ बनाएंगे, और कुछ लड़कियां दो साल बाद भी अपने बॉयफ्रेंड को यही चूना लगा रही होती जानू फोन इसलिए बिजी था, अम्मी जो है ना वो खाला से बात कर रही थी। यहाँ पे उलझे हुए तो मोहब्बत का तकाजा मेरे ख्याल में ये, देखिए मैं कहता हूँ महबूब को खोना ही मोहब्बत है, पाना तो अजाब है। क्या जो मोहब्बत मिल जाए वो मोहब्बत है, आसानी से जो मिल जाए वो मोहब्बत है। अब देखिए अब मोहब्बत में आसानी है, पहले होता था जस्तुजू होती थी, जाओ घर पे देखो कब भाई निकला, फिर पूछो वसीम है, वसीम जा चुका अलग है, लेकिन पूछने जाते थे खंबे के साथ टेक लगाए खड़े रहते थे, इंतजार होता था, भाई इंतजार खत्म हो गया, ये नंबर लिया, ये वीडियो कॉल की, फोन नीचे करना, खत्म। कभी ऐसे हुआ आप, कभी ऐसे हुआ आप गए हो वसीम है और वसीम आगे से आ गए हो, उनके गंदी गली का दरवाजा भी था, पीछे से भी आ जाता था। भाई मीरा कह रही है मोहब्बत मुझे उन जवानों से है, मोहब्बत मुझे उन जवानों से है जो खाते पीते घरानों से है। अरे और ये आप लड़के, आप देखे लड़के जो है ना, मैंने कुछ लड़कों को देखा उनकी प्रॉब्लम इतनी टेंशन वाली, एक लड़का कह रहा है दिन दिहाड़े घर में चोरी हो जाती, किसी को कानों कान खबर नहीं होती, और एक बार गलती से गर्लफ्रेंड को घर बुला लो सारा मोहल्ला गवाही देने लगता है, हमने देखा था, हमने देखा जो आप जो आप ये देखो जो लड़के कुर्बानी पर बकरे की टांगे नहीं पकड़ सकते वो भी कह रहे होते जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। और कुछ लड़के इतने भयानक किस्म के कुंवारे होते हैं कि ताश के पत्तों में भी उनकी बेगम नहीं आती। हाँ पूरी रात खेलते रहेंगे यार, ये एनर्जी, ये जिंदा दिली, ये वाइब, ये वो लड़के जो रात को 3-3 बजे तक सुनते रहते हैं, क्या आपका मतलूबा नंबर दूसरी लाइन पे मतलू। सुनो तुम अच्छा, यहाँ पे लड़कियां कम है, मेरी बहनें कम है। हाँ, मैं लड़कों की वजह से कम, लड़कों की वजह से, मैं तो शुक्र करता हूँ आप ये शुक्र करो कि छिपकली उड़ती नहीं है, उन्हें बहुत सारी लड़कियों को हार्ट अटैक हो जाता है। नहीं लड़कियां कम है लेकिन जो भी है बराबर है। देखिए मैं पता क्या कहता हूँ, हर शो में कहता हूँ, दिल से कहता हूँ, एक लड़की की रिस्पेक्ट करना उसको खूबसूरत कहने से ज्यादा खूबसूरत है। क्या बात और तीन वर्ड हैं जो आई लव यू से बेहतर है, क्या पतली हो गई हो। बस ये कहें आप एंजॉय करेंगे लाइफ इस शो में, मुझे लगता है आज एक हमें कंप्लीट पैकेज मिलने वाला है जिसमें आप हंसेंगे, आप सीखेंगे, इनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे, और बड़े ही कमाल किस्म के इंसान है, दिल के बहुत साफ है, पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इन्होंने रोशन भी किया। तो शो के लिए तैयार हो जाएं क्योंकि आज होगी एक रोलर कोस्टर राइड, और इसी के साथ मैं कहूंगा आए तशरीफ रखें, थैंक यू। As entertainers, as comedians, कभी इंसान उठता है किसी भी वजह से मूड ऑफ होता है, कोई कभी खाना नहीं खाया होता, कभी घर वालों से बात ठीक से नहीं हो पाती, कोई किसी भी रीजन की वजह से, जिंदगी की मुश्किलात की वजह से इंसान चिढ़ा होता है, और उस दिन कोई बड़ा शो करना हो जाके जिसमें आपको लाफ्टर भी देना है, तो हाउ डू यू मैनेज दैट? बस यही तो मैनेज करना है, इसी तरह तो मैनेज करना है। अब ये रहता है अपनी वालदा के साथ, बिल्कुल तनहो तनहा, और वालदा बीमार है तकरीबन 15 साल से, मतलब डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि बस अल्लाह ने जब तक सांसें रखी हैं चल रहा है सिलसिला, अब उनको भी देखना है, उनकी देखभाल भी करनी है, उनको छोड़ के भी जाना है दूसरों के हाथ, क्योंकि बहन भाई और कोई है नहीं, एक बहन है वो बाहर है, तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और उसी में सब कुछ करना पड़ता है, अल्लाह ताला करवा रहा है जब तक करवा रहा है कर और रहे हैं उसी में मज़ा है। आप अपनी फैमिली के साथ आपके रिलेशनशिप हो और उसके साथ अटैचमेंट हो, उसके साथ काम भी हो, तो अल्लाह ताला उसका करम हो जाता है अल्लाह का।